वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में बम फट गया। दो पूर्व छात्र बम फटने से घायल हो गए हैं। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बम बनाया जा रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ है। दोनों अवैध तरीके से छात्रावास में रह रहे थे। छात्रावास के अधीक्षक ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। बम फटने की वजह साफ नहीं हो पाई है। मामले की जांच कर रही है पुलिस, कर्नलगंज पुलिस। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास के कमरा नंबर 68 में धमाका हुआ। कमरे में मौजूद पूर्व छात्र प्रभात यादव और प्रत्युष सिंह घायल हो गए। धमाका इतना भीषण था कि बम बना रहे प्रभात यादव के हाथ का पंजा पूरी तरह से उड़ गया है, जबकि शरीर के दूसरे हिस्से में भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। साथ में मौजूद प्रत्युष सिंह भी घायल हो गया है। छात्रावास के अंदर अन्य कमरों में भी मौजूद छात्र जब मौके पर पहुंचे तो प्रभात यादव घायल अवस्था में मिला है, जबकि प्रत्युष सिंह भी घायल अवस्था में था। दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुझे सूचना मिली कि छात्रावास में बम फूटा हुआ है, तो जैसे ही मैं मौके पे पहुंचा तो पता चला कि छात्रावास के दो पूर्व अंतेवासी पास आउट हो चुके हैं। तो उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक है प्रभात यादव और दूसरा है प्रत्युष कुमार सिंह। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीबीडीए संवाददाता। गुफरान, कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये बम कैसे बनाया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि हादसा तो हुआ है लेकिन वहां बम बनाया जा रहा था, अपने आप में बड़ा मामला है। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पीसीबी छात्रावास है, वहां की ये पूरी घटना है, जहां जो है दो अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों ने बम बना रहे थे और उसमें ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें प्रभात यादव नाम का एक पूर्व अंतावासी यानी पूर्व छात्र रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसके हाथ का जो पंजा है वो पूरी तरीके से उड़ा है। इसके साथ में दूसरा एक उसका साथी था जो प्रत्युष सिंह नाम का है, उसके साथ जिसकी हादसा हुआ है उसको भी बम विस्फोट में चोटें आई हैं। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके आधार पर जो अधीक्षक है जो पीसीबी छात्रावास के सुजीत सिंह, उनकी तरफ से एक तहरीर दे करके कर्नलगंज थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है, FIR, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि ये दोनों छात्र अवैध तरीके से कमरा नंबर 68 जो पीसीबी छात्रावास का है वहां रह रहे थे और वहां ये बम बना रहे थे, उसी दरमियान ये हादसा हुआ है। तो पुलिस ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया है, दर्ज किया है और आगे की जो जांच है उसमें पुलिस जुट गई है। और जो दोनों पूर्व छात्र हैं जो घायल अवस्था में है उनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। जो प्रभात यादव है उसका सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी में इलाज चल रहा है। ठीक है, पुलिस अब जांच करती है तो क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।